केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 1989 में हुए उनके अपहरण से जुड़े मामलों में 15 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। यह पहला मौका है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को मामले में पेश होने के लिए कहा गया। उनका 8 दिसंबर 1989 को अपहरण कर लिया गया था। केंद्र में बीजेपी समर्थित तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने उनकी रिहाई के बदले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के 5 आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला किया था। रुबैया सईद तमिलनाडु में रहती हैं और सीबीआई ने उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया है। सीबीआई ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले की जाँच अपने हाथ में ली थी। रुबैया सईद अपहरण मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन JKLF का प्रमुख यासिन मलिक एक आरोपी है। मलिक को हाल ही में टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रुबैया अपहरण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मलिक को पकड़े जाने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। सीबीआई ने पिछले साल जनवरी में विशेष लोक अभियोजकों मोनिका कोहली और SK भट्ट के मदद से रुबैया अपहरण मामले में मलिक सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। रुबैया अपहरण मामला घाटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और 5 आतंकवादियों की रिहाई के बाद वहां आतंकवाद की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में सूचीबद्ध रुबैया को समन करने के अनुरोध किया है और विशेष अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए उन्हें 15 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया। इस मामले के अन्य आरोपियों में अली मोहम्मद, मीर मोहम्मद जमा मीर, इकबाल अहमद गद्रू, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक पहलू, मंजूर अहमद सोफी, वजाहत बसीर, महराज उद्दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।